कैसे शूट कर लेंगे बताइयो, जब स्क्रिप्ट मेरे पास है। 10 मिलियन की तैयारी। बकरा मट्टी और टट्टी खा। लगता तेरे बिना। एक बार और सीन कर ही ले रहे हैं। मैं बकरा हूँ, बहुत सारे बकरे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो सारे के सारे। तो ये व्लॉग बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है? तो आज हम शूट करने जा रहे हैं, आज हमारी वीडियो का शूट है, इसलिए व्लॉग बनाया जा रहा है। और टाइटल वाइटल आप सब देख लिया आपने, भाई बहन की वीडियो है, मम्मी पापा की वीडियो है और थोड़ी परेशानी वाली वीडियो है। इसका शूट चल रहा है और स्क्रिप्ट प्रिंट चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये लौंडा प्रिंटर लेके लगा हुआ है स्क्रिप्ट प्रिंट करने में। यस हो गई प्रिंट। क्या देखियो कितने पेज है, 21। बहुत बढ़िया ये। हेलो दोस्तों क्या हाल है? तो योरी हमारी स्क्रिप्ट, योरे नितिन भाई और यूरा मस्तानी। और अरे दीदी वो रही हमारी दीदी, रुक जाओ अभी दीदी के पास लेके चल रहे हैं तुम्हें। दीदी कहाँ हो, इधर का हो जाओ। दीदी भूत बन के आई है तो भूत। तो आज आज शूट है दीदी, क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट फॉर द शूट। और आज मेरा डबल रोल होने वाला है मे बी। तो दीदी का आज डबल रोल होने वाला है, आज मेरी मेहनत भी डबल होने वाली है, तो आज मैं सो नहीं पाऊंगी। शिट, वरना मैं इनके शूट पे आके हर बार सोती थी। दीदी आप शूट पे गए हुए थे? हाँ। काहे के शूट पे? रिकॉर्डिंग। अच्छा हो गया। तो दीदी के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दो यार, सपोर्ट करो हमारी दीदी को। दीदी कह रही है थैंक यू सो मच। तो भाई ने कटवा दी। तो दोस्तों हमारा शूट स्टार्ट हो चुका है और हम लोग शूट करने आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। लोकेशन क्या, हम थोड़ा सा अलग अपने घर से चले हैं और हमारे घर के पास में लोकेशन है, तो हम लोग वहाँ पे शूट करने आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है शूट में। वो बैक कैमरा करके दिखाते हैं। दोस्तों 3 घंटे हो गए शूट करते करते, अभी एक सीन नहीं निपट पाया, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे। मेरे पैर दर्द कर गए। दिखाते हैं क्या चल रहा भैया। मोनू है, जूते किसके हैं ये? जूते स्क्रिप्ट छतरी सब मैं प्रोडक्शन वाले से हूं। मजाक मेल पद रेक बिंग, मेल पद रेक बिंग, मेल पद रेक बिंग। तो भाई हमारा आधा शूट हो गया है और आधे शूट पे हमारे साथ आ गया बकरा भाई। तो क्या हाल है बकरा भाई? बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया। अब चल रहे हैं हम अपनी दीदी से मिलाने, और दीदी आज मम्मी का रोल भी कर रही है और दीदी का भी कर रही है। और हमारे शूट पे नए नए आर्टिस्ट आए आज बहुत टाइम बाद, और नितिन भाई लग रहे हैं अपनी मसाज पार्लर की दुकान में। ये मसाज पार्लर की दुकान खोलने वाले हैं ना ये, दिखाइए भाई ये है सामान। तो 400 रुपये का सामान आया है, इसमें पार्लर मसाज खोल लेंगे। 10 मिलियन की तैयारी। 10 मिलियन की तैयारी, ठीक है 10 मिलियन करा दो जल्दी से फटाफट। दीदी देख लो क्या कर रही है। दीदी क्या कर रहे हो? मसाज। तो दीदी थक गई है बहुत ज्यादा शूट पे, क्योंकि दीदी हमारी दीदी है। लो महाराज स्क्रिप्ट। दीदी जल्दी। हाँ जीवन भाई कैसा चल रहा शूट? बहुत बढ़िया। इनकी कुछ ना कुछ चोरी होता रहता है, इनकी कहीं चप्पल खो जाएगी कहीं इनकी। तू नहीं पहन रखी? ओहो अच्छा मैंने पहन रखी। लो लो लो, तो फिर मेरी चप्पल, मुझे तो मेरी महंगी है ना ये वाली, आपकी तो वो वाली है 150 150 150। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? बहुत धुआंधार सूट चलता हुआ, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे, सूट कर ही ना रहे, दिमाग खराब कर रखा और कुछ नहीं। देखियो ऐसे चलेगा सूट, कोई एक्शन ही नहीं बोल रहा ना, रोलिंग ना कुछ, कैमरा कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। इनकी वर्जी चल रही, देखो आदतें गंदी हैं बहुत ज्यादा हैं लोगों की, तो अब कुछ कर नहीं सकते। देख लिया आपने क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना हुआ, लेकिन 50% तो शूट डन हो चुका है, वीडियो बहुत जल्दी आएगी। खैर वीडियो के बाद ही ब्लॉग आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी और पापा वाला जो सीन था लड़ाई वाला, वो निपट गया है, दीदी और पापा की लड़ाई ख़त्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तीन निपट गया, मजा आ रहा है, बहुत तगड़ा मजा। बहुत ज्यादा मजा। और क्या मजा आ रहे हैं? बहुत ज्यादा मजा। काम होगी भाई, मैं तो थक गया, मैं थक गया। सो रहा पूरे दिन, कहाँ सोया बस बताइयो, एक मिनट का बताइयो, मैं सोया हूँ। काम तो ना करो, तुम खड़े होके सोए हो। वी आर रेडी टू टुडेज एंड। तो शाम हो चुकी है, 6 बजे अंधेरा होने लगा है, सर्दियों की शुरुआत।
और 6 बजे पैकअप होते हुए फटाफट एक मैडम जी चली गई अपनी स्कूल। हमारा पैकअप चल गया। चलो 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 फर्स्ट डे पैकअप पैकअप नहीं है फर्स्ट डे पैकअप। सुनो आधा शूट खत्म फर्स्ट डे पैकअप। दोस्तों मुझे इतनी शर्म आती है अपने सस्ते डीओपी पे, ये पैकअप की जगह मेकअप बोल रहे थे बताओ। ठीक है दोस्तों मिलते हैं कल से, फिर स्टार्ट करते हैं, देखते रहना। ओके हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग कम गुड आफ्टरनून ज्यादा, क्योंकि 3 बज चुके हैं और हम सूट पे निकल चुके हैं। सूट पे पहुंच गए थे लोकेशन पे, मान भाई हमारे ऐसे हैं कि भूल गए एक चीज ही, सारा सेटअप लेके चल दिए यहाँ से और ये भूल ही गए कार्ड। अब सूट किस में करेंगे भैया बताओ। अब फिर मुझे भेजा कि जाओ कार्ड लेके आओ, मैं कार्ड लेने आया। दिखाते हैं जल्दी कहाँ चल रहा हमारा सूट, क्या चल रहा सूट में दिखाते हैं यहीं से। 1, 2 एंड 3 कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। अब आगे से ध्यान नहीं रखा जाएगा, आगे से ध्यान कुछ भी सुनूंगा नहीं, अगली बार पूरी पेमेंट काट दी जाएगी। ठीक है लगाओ जल्दी। दोस्तों इन्हें कैमरा तो पूरा चलाना आता है, बस गिम्बल पे सेट करना नहीं आता इन्हें। सिखा दे यार मस्तानी। चेला बनाऊंगा लेकिन मुझे। हाँ हाँ जी स्टार्ट होगा कब बग। हाँ जी कहाँ जा रही हो? 10 में सूरजपुर। सूरजपुर कितने रुपए? 10। ठीक है ले चलो चलो उधर भैया उधर चलो, जगह नहीं है जब तक भर नहीं जाएगा जब तक नहीं जाऊंगी। आगे बैठ जाऊं? अरे मैडम जी क्या हाल है? बढ़िया। आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो? ना तो। गाने वाने भी मैंने सुने आपके। तेरा? आपका नाम प्रगति है? मैं ना करती ऐसे कुछ। कहाँ से हो मैम आप? मैं कहाँ से? मैं यहीं से। यहाँ से? कहाँ से? यहीं से। गांव का नाम बताओ मैम। पैसे वैसे हैं? कैमरा मेरा थोड़े में कैसे बढ़ा रहा, थोड़े दूर तरह। वैसे पैसे वैसे हैं आपके पास? बेटा पैसा कहाँ दे रहे हम पे? गरीब हो बिल्कुल, मेरे से ले लेती पैसे 10 रुपए दे दूँ अभी। और ये तो नसेनी भी टूट जाती, खैर कोई बात नहीं बच गई थोड़ी सी नसेनी। कैसे शूट कर लेंगे बताइयो जब स्क्रिप्ट मेरे पास है। लेकिन एक चीज बताओ मामा क्या जा रहा है? मामा की हालत देखो एक बार। हाँ जी मंत्री जी हाथ नीचे करो, ऐसे कोई ये कोई ड्रामा नहीं। क्या करवा लिया ये? कुछ वजह होती है। वजह बताओ वजह क्या है? सेटिंग ने कह दी भाई ऐसे करवा लो। अच्छा यूपी वाले सीन है, यूपी वाले को काबू कर सके वाका बापू। बापू छोड़े भाई भी काबू कर रहे हैं। मान भाई भी कुछ काम तो है नहीं मान भाई। हाँ तो पंखे खुशबू सूख क्या, अब एग्जॉस्ट का आवाज सुन के तुम क्या बता रहे क्या बन रहा अंदर भाई? एग्जॉस्ट है इसका मतलब है कि किचन की जितनी भी खुशबू है ना वो सारी बाहर आ रही है। तो किचन में बन रही है मैगी, और तो मुझे लग रहा है कि मैगी मैगी किसके लिए बन रही है? मेरे लिए, इनके लिए मैगी बन रही है। ये मैगी खाएंगे तो बकरा हमारे लिए लेके आया बड़े बड़े मट्ठी। तो पूरे दिन कोई चिढ़ रहा है हमारे लिए, जलते रहे ये खा भी ये चिढ़ रहे हैं। मैं कहाँ चिढ़ूंगा यार, बकरा मट्ठी और टट्टी खा। मान भाई की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को कि मान भाई के बिना जी भी नहीं लगता किसी का। सीन काट दियो सीन। मान भाई एक मिनट को भी उरे परे हो जावे ना तो मान भाई चिल्लाने लग जाता हूँ, समझ सकते हो आप। हाँ जी मैगी बन जाके एकदम कर दियो। जी नहीं लगता क्या मेरे बिना? जी नहीं लगता ना? जी नहीं लगता तेरे बिना। तो चलो भाई लास्ट का सीन लेने चल रहे हैं। ओए कैमरा उठा ले। सामने देखो कैमरे में नहीं देखना। मुझे आती है मस्तानी ब्रेक जोड़ दो तो दीदी बैक कर लो। बाय बाय। तो शूट के लिए सब रेडी हो गए बेटा? तो तुम नहीं, हम जा रहे हैं, हम जाएंगे बस। हम जाएंगे बस। और मामा तुम्हारे भाई ने पता नहीं क्या करवा दिया।
मैं अरे मैं तुझे क्या कह रहा था कल क्या कह रहा था मैं तुझे कल स्मार्ट लग रहा हूं स्मार्ट बिल्कुल तो हमारी वीडियो शूट नहीं हुई है क्योंकि हम अभी लास्ट वाला सीन लेने जा रहे हैं। दीदी कुछ कहना चाहोगी? हां मुझे बहुत तेज प्यास लगी तो मैं कह रही हूं कि यार मुझे कोका पिला दो। चलो मैं पिला दूंगा। तो दीदी कह रही है मैं कोका कोला पिला दो तो दीदी 60 रुपए दे दो लाओ। मैं वही तो कह रही हूं पिला दो का मतलब होता है पैसे तुम दे दो मेरे पास है नहीं अभी। कोका कोला तो हम पिला देंगे पर पैसे दे दो अभी कैश पेमेंट। आदमी हो अब से तुम्हारे शूट पे आना बंद ना तो खाने खिलाते हैं ना कोका कोला पिलाते हैं क्या ये। तो दीदी लेके आया करो ना देखो साथ में लेके आया करो अपने लिए बुलाओ हमारे लिए बुलाओ। तो ये देख लो वाह जी वाह वाह जी वाह ये इज्जत है यहां आर्टिस्ट की। ये देखो कौन जा रहा है। दोस्तों मैंने सूट पे एक चीज देखी है कि अगर कोई चीज अगर छूट जाए ना अगर कोई चीज रह जाए घर पे ही तो बस दोस्त मुझे मिलेगा। दीदी भी कह रही तो मेरा बैग नहीं लेके आया और मान भाई भी कार्ड छोड़ के आ गए तो मान भाई कह रहे कार्ड नहीं लेके आया मतलब कुछ भी चीज छूट जाए तो मेरा नाम आएगा। ये कहाँ की इंसाफ है भैया। दिल से बुरा लगता है भाई बहुत दिल से बुरा लगता है लेकिन कोई बात ना अब हम बैठे आराम से लोगों के सीन चल रहा मुझे कोई मतलब नहीं। तीन दुनिया से सबसे मुश्किल काम होता है सूट पे इस क्राउड को रोकना। ये क्राउड जो होता है ना ये बहुत परेशान करता है कि इसे देखो उसे देखो। हमारे पीछे सीन चल रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चल रहा पीछे सीन अगर दिख रहा होगा तो आगे आगे मान भाई हैं। अब इस क्राउड को कैसे रोका जाए बताओ। बहुत मुश्किलें आती हैं शूट करने में दिक्कतें भी काफ़ी होती हैं लेकिन बस काम है तो करना पड़ेगा बहुत कंट्रोलिंग में करते हैं भैया सब कुछ मैनेज करके मेहनत तो हर काम में होती है ठीक है। बाकी दिखाते हैं क्या चल रहा है। सीन के चलते चलते डिस्कशन हो रहा है अब डिस्कशन सेकंड सीन स्टार्टेड राइट नाउ। डांस पार्टी एनिमल एंड जय माता दी जय माता दी। राइट राइट रिक्वायरमेंट इतनी हैवी है कि दीदी को कोक पीनी है मतलब प्यास लगी दीदी को कोक पीनी है। अब कह रही कहीं से भी ला के दो अब कहीं से भी ला के दो। अब हम लोग ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे कोक मिल नहीं रही है। दोस्तों कोक नहीं मिली मिल गई है कोई थी तो मिली है। चलो भैया चलते हैं। पहुँच चुके हैं हम अपने ऑफिस पे दीदी को कोक पिलाते हैं मतलब कोक लाइट कोक तो मिली नहीं कोक लाइट है। दीदी रायता किसका रायता वेजिटेबल रायता। दीदी जैसे कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बहुत से पानी मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला तो ये लोग अब तक निकल गए आ लिए वैसे। हां कैसी लगी पेप्सी? पानी चल रहा है और पेप्सी बहुत अच्छी है पेप्सी के साथ साथ रायता भी खाया था। पेप्सी तो पी ली पर पेमेंट पूरी चाहिए हमें हमारी। यस सो वैसे मेरी अच्छी खासी सेवा में लगे हुए हैं कह रहे हैं कि पैसे दे देना धूप से बचा रहे हैं छाता लगा रहे हैं गाड़ी में बिठा रहे हैं गाड़ी का गेट खोल रहे हैं पेप्सी पिला रहे हैं। पैसे कितने के हमें बस बर्गर एक चाहिए तुमसे मिल जाएंगे। ओके तो मैंने कहा था जल्दी मिलते हैं एंड में तो एंड में हम आ गए हैं। अब हमारे सीन की तैयारी चल रही है लास्ट वाले में। अब तुम्हें पता ही है एंड में क्या होता है पिटते ही बेचारे दोनों हैं। अब की बार मस्ता नहीं बच गया लेकिन बच गया ना तू इतना पीटूंगा मैं खुद पीटूंगा ना अपने। तो मैगी खाने का सीन है ये रखिए मैगी फोन ये रे फोन वगैरह दाम मिर्दुल मैं बक रहा हूँ सर बहुत सारे बक रहे हैं ले बोरे अगर तुम देख रहे सीन ले लो भाई ले ओए इसमें एक भी डाला ओए मैगी वैसी भाई एक भी ऑयल नहीं डाला एक भी रोलिंग मैगी निकली है एंड एक्शन वैसे दोस्तों ये सीन हमारे वीडियो का लास्ट सीन है और इस सीन को ख़त्म होते ही हमारा पैकअप हो जाएगा और वीडियो एडिटिंग पे चली जाएगी बहुत जल्दी शूट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। दिखाता हूँ क्या चल रहा है सूट पे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ लास्ट सीन शूट करने का मज़ा ही कुछ और आता है एकदम फुल जज्बा। ये एक मामा हमारा डायरेक्टर है
एक बार और सीन कर ही ले रहे हैं, एक सीन और कर ही ले रहे हैं। तो यार एक सीन और कर ही, इनका एक सीन बचा ही रहता लास्ट वाला, अब तो कर ही ले रहे हैं। लास्ट वाला देखो कितना बड़ा, ओ गिम्बल देख मेरे वाला। और मेरा जो जितना मेरा छोटा जरूर है लेकिन काम तो उसे बड़े बड़े कर देता है। गिम्बल अजी आपको तो सैल्यूट है। कुछ देख लिया मैंने, बोतल पूरे ब्लॉग में, तुम समझाओ कुछ। तो दोस्तों क्या बताऊँ, खैर मैं अब शूट हो चुका है कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं ऑफिस। एडिटिंग चल रही है लगातार, जितना शूट हो गया आज दूसरा दिन है, अब एडिटिंग फिर से चल रही है। बाकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, वीडियो दिख जाएगी उसके बाद आपको ब्लॉग भी दिख जाएगा। वीडियो का एंड हो चुका है, पैकअप हो चुका है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। चले मस्तानी, और हमारा चैनल इसको भी सब्सक्राइब करो और इस पर 10 मिलियन करवा दो जल्दी से जल्दी। हाँ 10 मिलियन, यहाँ 1 मिलियन जल्दी करवाओ। मिलते हैं जल्दी जल्दी अगले अगले ब्लॉग में, ठीक है। अगर तुमने इस ब्लॉग वाले चैनल पे जल्दी 1 मिलियन करवा दिए तो तुम्हें पर डे ब्लॉग मिल सकता है, समझ लो। हाँ बहुत तगड़ा हिसाब हो जाएगा फिर। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, लाइक कमेंट शेयर करते रहना। बाय बाय।